राहत भरी खबर है। अब डाक भेजने के लिए मोबाइल नंबर होना जरूरी हो गया है। रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट, पार्सल या फिर बाहर से प्राप्तकर्ता का नंबर होना बेहद जरूरी हो गया है, तभी डाक बुक हो सकेगी। इसके लिए डाक विभाग ने सभी डाक घर में एडवाइजरी भी चस्पा कर दी है। बता दें कि अधिकतर लोग डाक पर अधूरा पता लिख देते हैं, ऐसे में पोस्टमैन को पता ढूंढने के लिए घंटों भटकना पड़ता है। अकेले देहरादून जीपीओ में रोजाना 80 से ज़्यादा डाक अधूरे पते के कारण वापस हो रहे हैं। डाक विभाग ने प्राप्तकर्ता का नंबर जरूरी कर दिया है। डाक पर यदि प्रेषक और प्राप्तकर्ता का नंबर हो तो डाक की बुकिंग से लेकर डिलीवरी होने तक जानकारी एसएमएस के माध्यम से मिल सकती है। ऐसे में जब डाकिया को प्राप्तकर्ता का पता ही नहीं मिलता तो वो डाक पर अंकित मोबाइल नंबर से प्राप्तकर्ता से संपर्क कर सकता है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। ये डाक भेजने के लिए सितंबर 2023 से डाक विभाग ने एक निर्देश जारी कर दिए हैं कि सभी जो डाक भेजने के लिए प्रत्येक ग्राहक को मोबाइल नंबर अंकित करना, प्रेषक और दोनों का, आने वाला का भी और भेजने वाला का मोबाइल नंबर अंकित करना जरूरी है। तभी उसकी जो डाक है जीएसटी, इसकी पोस्ट, पार्सल, विदेश के पार्सल तभी भेजे जा सकते हैं जब उसका मोबाइल नंबर आर्टिकल में अंकित किया जाएगा।